मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू आर वॉचिंग मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 22 है क्लास 10, जो कि आपको 27 अगस्त को प्रोवाइड की जाएगी। इक्वेशन को आज हम सीखेंगे कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, और इसको हम रिड्यूस मेथड भी बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हम दो मेथड सीख चुके हैं, एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ एलिमिनेशन। तो जो रिडक्शन मेथड है वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट भी लग सकता है, बट अगर आप एक बार समझ गए तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड है। आप बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उस मेथड को अप्लाई करके। पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, एलिमिनेशन मेथड क्या था, जहाँ पे हम एक्स या वाई में से किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है, उसके कॉफिशियंट्स बराबर करके और सेकंड की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट में पुट कर देते थे। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, वी हैव अ टू इक्वेशन, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालते थे एक्स या वाई की और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते थे। सो यहाँ पे आपको ये दोनों मेथड तो आने ही चाहिए, क्योंकि आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बेसिक मेथड यही है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। रिड्यूस मेथड में हम बस क्या सीखेंगे, एक स्टेप और ऐड कर देंगे कि हमारी अगर इक्वेशन लीनियर की तरह नहीं है तो पहले हम इक्वेशन को लीनियर बनाएंगे, उसके बाद आइदर इन दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो वही यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। जब लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, और कहते हैं मैनी सॉल्यूशन, इक्वेशन हैविंग मैनी सॉल्यूशन, है ना, और ए बी सी इसके कॉफिशियंट्स होते हैं। बट क्या होता है, सम इक्वेशन डू नॉट अपीयर लीनियर बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर। कुछ इक्वेशन हमें लीनियर दिखती नहीं है, लेकिन हम उनसे लीनियर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ, थ्रू सम मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन लगा के हम इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट दीज इक्वेशंस। इस वर्कशीट में हम उन्हीं इक्वेशंस के बारे में समझेंगे जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल वन में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 by x 2 by y equals to 9 फर्स्ट इक्वेशन, 2 by x 1 by y equals to 6 दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब गाइज देखिए, अगर आपको इसे सॉल्व करना हो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आप इसमें भी लगा सकते हो, बट ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र नहीं आ रही है और यहाँ कैलकुलेशन में आपसे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इस तरह की शायद इक्वेशन ना सॉल्व करी हो कि 3 by x 2 by y, है ना। सो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमें एक स्टेप और ऐड करना है। ये सिंपल सा स्टेप आप अगर एक बार समझ गए तो आपको कभी गड़बड़ी नहीं होगी। सो स्टेप क्या है, देखिए इस इक्वेशन को हम, मैं पहले आपको लेके बताती हूँ, 3 by x plus 2 by y equals to 9। अब यहाँ पे इस टर्म को देखिए, 3 by x का मतलब क्या है, 3 into 1 by x, है ना, 3 into 1 by x है, तभी आप इसको लिख सकते हो ना 3 by x। सो यहाँ पे 1 by x को हम क्या करें, अगर 1 by x को हम एज्यूम कर लें कोई वैल्यू कि 1 by x मेरा क्या है, 1 by x equals to p है, तो 1 by x की जगह पे मैं ये 3 के साथ क्या लिख दूंगी, 3 के साथ p लिख दूंगी, या फिर a b c कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 by y का मतलब क्या है, 2 into 1 by y, तो 1 by y को हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन को अपना सिंपल बनाने के लिए, और बाद में उसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। सो वही यहाँ पे करा जाता है, टू कन्वर्ट दीज इक्वेशन लेट 1 by x, ये इक्वेशन में से, ये दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं x जो है 1 by x की फॉर्म में है। 1 by x को अगर मैं p मान लूँ और 1 by y को अगर मैं q मान लूँ तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब देखिए, इतना सा सिर्फ एक स्टेप ऐड करने से, अब हमारी इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे था 3 by x, है ना, इसका मतलब क्या था, 3 into 1 by x था, है ना। सो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 और x की 1 by x की जगह पे, ये 1 by x की जगह पे क्या लिख दिया, p लिख दिया। इसी तरीके से 2 1 by y की जगह पे क्या लिख दिया, q लिख दिया, इक्वल टू 9। सिमिलरली इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, 2 by x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि 2 by x का मतलब क्या है, 2 into 1 by x, तो 1 by x की जगह पे मैंने p लिख दिया, 2 तो रहेगा ही, 1 by x की जगह पे क्या लिख दिया जी, p लिख दिया। इसी तरीके से 1 by y की जगह पे जहाँ जहाँ 1 by y होगा वहाँ पे हम q लिख देंगे। इससे हमारी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन की शक्ल ले लेगी। तो यहाँ पे जी हो गया 2p,
और क्यू, क्योंकि 1/y डायरेक्ट है तो क्यू इक्वल्स टू 6। अब ये इक्वेशन हमारी 1, 2 थी, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को जो इसकी शक्ल बदली है लीनियर फॉर्म में लाए हैं, इसको हमने इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 बोल दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, अब आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उससे आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पसंद है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगर आपको एलिमिनेशन पसंद है तो एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है ना, दीज इक्वेशन कैन बी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैन बी सॉल्व बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू की क्यू इक्वल टू 6 माइनस 2p। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं एक वैल्यू निकालते हैं और सेकंड में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या किया q की वैल्यू निकाली, ये इस तरीके से है 2p प्लस क्यू इक्वल टू 6 फोर्थ वाली इक्वेशन में। सो अगर हम यहाँ से q निकालें तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2p। अब 6 माइनस 2p जो हमने निकाला है इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए q की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3p प्लस 2 और q की जगह पे क्या रख दिया 6 माइनस 2p इक्वल्स टू 9। यहाँ से वैल्यू निकाली और यहाँ पे रख दी, फोर्थ में से q की वैल्यू निकाली और थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3p प्लस 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4p इक्वल्स टू 9। इसके बाद 3p माइनस 4p, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का p और 12 इक्वल्स टू 9। सो 12 और यहाँ पे जो 9 है ये इधर आके हमारा ऐड अप हो जाएगा, p उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारी जो p की वैल्यू है हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। सो सिंप्लीफाई करके जब हमने p की वैल्यू, यहाँ पे 3p है ठीक है, यहाँ पे जब p की वैल्यू हम यहाँ से सारी कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे तो p की वैल्यू यहाँ पे हमें 3 मिल रही है। अगर p की वैल्यू 3 मिल रही है तो पुटिंग वैल्यू p इन 6q इक्वल टू 2 6 माइनस 2p। अब यहाँ पे p की वैल्यू अगर 3 है तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2। p की जगह पे अगर हम 3 रखेंगे तो q इक्वल टू 6 माइनस 2 3 जा 6 6 6 जा 0। सो p आ गया 3 और q आ गया 0। लेकिन हमें p q की वैल्यू नहीं, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो अब हमें याद करना होगा कि हमारा x और y क्या था। तो 1/x इक्वल टू हमने p माना था और 1/y इक्वल्स टू हमने q माना था ठीक है। सो 1/x इक्वल्स टू हमारा p था एज्यूम किया था और इसकी वैल्यू आ रही है 3, यानी 1/x बराबर 3 है। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से 1/x इक्वल टू 3, सो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इधर चला जाएगा, सो x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से हमारा x हो जाएगा 1/3 और y हमारा 0 हो जाएगा, सो x 1/3 y 0। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, रिडक्शन मेथड में हमें क्या करना होता है, जो हमारी वैल्यू दी है 1/x या 1/y को हम कोई एक न्यू वेरिएबल का नाम दे देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। एक बार लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है फिर आप कोई सा भी मेथड लगा के इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। जब आपको पी क्यू जो भी आपने एज्यूम किया है वो मिल जाए तो उसे बस आपको 1/x एंड 1/y जो भी आपने एज्यूम किया था उसके बराबर रख के इक्वेट करना है, तो आपको ओरिजिनल वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास ये एग्जाम्पल 2 है, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए 4/x-1 प्लस 2/y-2 इक्वल्स टू 4। अब इसे अगर आपको सिंपल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाना हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसे रिड्यूस मेथड से सिंप्लीफाई कर लें तो हम इसे बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, x-1 और यहाँ y-2, यहाँ पे भी x माइनस है यहाँ पे y-2, तो हम क्या करेंगे इस बार 1/x-1 को एक वेरिएबल मान लेंगे, p मान लेंगे। इसी तरीके से 1/y-2 को हम q मान लेंगे, और ये ध्यान रखना है कि 1/ ही लेने, यहाँ 4 है तो आप यहाँ 4 लगा के मत ले लेना ठीक है। तो वही चीज़ की गई है, 1/x-1 को p, 1/y-2 को हमने क्या किया क्यों मान लिया। अब इससे हमारी इक्वेशन बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए ये इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 × 1/x-1, तो x-1 को p मान लिया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4p लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की बदले हम इसको जस्ट p लिख सकते हैं। सो 4p प्लस 2q इक्वल्स टू 4,
यहाँ पे टेन पी माइनस क्यू इक्वल्स टू फोर। तो ये फर्स्ट सेकेंड थी, ये हमारी थर्ड फोर इक्वेशन हो गई। सॉल्विंग फॉर पी एंड क्यू वी गेट, जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे पी की वैल्यू 1/2, क्यू की 1 आएगी। यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं बताया है, लेकिन यू हैव टू सॉल्व, आपको सॉल्व करना होगा। जैसे हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे 2q है, एलिमिनेशन लगा सकते हो। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20p माइनस 2q इक्वल्स टू 4। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 4p प्लस 2q इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 20p और 4p, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 24p इक्वल्स टू 8, ठीक है। 24p इक्वल्स टू 8, सो p इक्वल टू 8/24। सो यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी मेथड लगा के आपको सिंप्लीफाई लगे। तो इस तरीके से आपका p 1/2 और q 1 आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। जब सॉल्व करने के बाद आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाया पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने 1/1 x-1 को p माना था, तो आपको इसकी वैल्यू 1/x-1 इक्वल्स टू 1/2 आई है, ठीक है। सो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो x इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/y-1 इक्वल टू आपका q कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, y-1 = 1। सो y इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एडअप होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। तो x और y हमारा कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल 3 दे रखा है, इसको भी देख सकते हैं रिडक्शन मेथड से। सॉल्व 4x-3 / xy, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन दे दिया है, और यहाँ पे दे रखा है 8x + y / xy = 3, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऊपर x है, y है, नीचे xy है, ऊपर x है, y है, नीचे xy है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सॉल्व करके बताया है कि 4x-3y / xy, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 4x / xy - 3y / xy, ऐसा इन्होंने क्या किया है, ब्रेक करके लिख दिया है। कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है। देखिए, अगर पूरे के नीचे xy है, दैट मीन 4x के नीचे भी xy है, 3y के नीचे भी xy है, तो इसको ब्रेक करके लिखा है इक्वेशन को, 4x / xy और 3y / xy। ऐसे क्या होगा कि दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ से आप लोग देख सकते हो, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 4/y, यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा तो 3x = 5। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम इन दोनों के नीचे ब्रेक करके लिखेंगे, तो ये हमें इस तरीके की कुछ इक्वेशन मिल जाएगी। अब अगर आपके पास इस तरीके की इक्वेशन मिल गई, ये आपको हिंट दे रखा है, तो अब आप देखिए, आप इसमें रिडक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हो कि 1/y = p और 1/x = q मान के इसको सिंप्लीफाई इक्वेशन, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे आप बनाओगे, फिर उसमें सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करके और फिर वैल्यू पुट कर दोगे। हाँ, ये मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इससे आप बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ट्राई इट योर सेल्फ में 4 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 10/x + y, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे 1/x + y को आप एक वेरिएबल मान लोगे। और सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन x + 2y = 2xy, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, ये थोड़ा डिफरेंट है, और इसके बाद हम यहाँ पे b दो बार b दे दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके। क्वेश्चन है सॉल्व x एंड y, यहाँ पे तो आपको x एंड y निकालना है इन दोनों क्वेश्चन के लिए, x और y की वैल्यू फाइनली सॉल्व करनी है। और क्वेश्चन 2 में कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लीनियर इक्वेशन, इसको आपको बस लीनियर इक्वेशन में बना के दिखाना है। सो इन दोनों को लीनियर इक्वेशन बना के दिखानी है और इनको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का ये ए पार्ट है. ओके, सो ए पार्ट में आपको दे रखा है टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सेवन, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. तो ये हमने वन मान ली, ये टू मान ली. अब आप लोग देख सकते हैं एक्स प्लस वाई दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है, यहाँ पे x माइनस वाई दोनों के नीचे कॉमन है. सो हम क्या करेंगे, वन अपॉन x प्लस वाई को p एज्यूम कर लेंगे एंड वन अपॉन x माइनस वाई को q एज्यूम कर लेंगे टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन, जिससे हम इसे एक लीनियर इक्वेशन बना सकें और अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकें. अगर मैं इसे आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, टेन अपॉन टेन इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई, तभी तो ये बना है टेन अपॉन एक्स प्लस वाई. सो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, पी कर रहे हैं, तो हम इसको सिंपली टेन पी लिख सकते हैं. तो वही हमने किया है. और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो फाइव अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, हमने इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइव इंटू वन अपॉन में एक्स माइनस वाई. सो इस वन अपॉन में एक्स माइनस वाई को हमने क्यू कंसिडर कर लिया है, तो इसको हम इजिली फाइव क्यू लिख सकते हैं. अब देखिए, जब हमने ये एज्यूम कर लिया, इसको रिड्यूस किया, सो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, टेन पी प्लस फाइव क्यू इक्वल्स टू सेवन एंड फिफ्टीन पी माइनस नाइन क्यू इक्वल्स टू माइनस सिक्स. सो जो अब हमारी न्यू इक्वेशन बनी है, इसको हम इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर कंसिडर कर रहे हैं. ओके, अब आपको ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो आइदर एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन. सो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड. ओके, एलिमिनेशन मेथड हमारे लिए ज़्यादा सिंप्लीफाई होता है. क्यों? क्योंकि देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जब भी आप एलिमिनेट करते हो तो आपके पास जो एक वैल्यू है वो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाती है. ठीक है, तो p या q में से एक वैल्यू तो आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी और दूसरी वैल्यू हमें एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाती है, तो हम एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे. लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, टेन पी प्लस फाइव क्यू इक्वल्स टू सेवन एंड फिफ्टीन पी माइनस नाइन क्यू इक्वल्स टू माइनस सिक्स. सो आप इसे कैसे बराबर कर सकते हो, यहाँ पे कॉफिशियंट किसी का भी वन नहीं है. अगर वन कॉफिशियंट होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फिफ्टीन है, यहाँ पे टेन है, यहाँ पे नाइन है, यहाँ पे फाइव है. सो आप कैसे बराबर कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इस वाली इक्वेशन को नाइन से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली इक्वेशन को फाइव से, इसका कॉफिशियंट फाइव है, इसका कॉफिशियंट नाइन है, तो इन दोनों के कॉफिशियंट को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दें, इसको नाइन से और इसको फाइव से. तो यहाँ पे नाइन फाइव जो 45 और यहाँ पे भी नाइन फाइव जो 45. सो हमारा क्यू वाला वेरिएबल बराबर हो जाएगा. हमें एक वेरिएबल को बराबर करना है. मैंने आपको बोला है कि जब भी इक्वेशन सॉल्व करें तो ध्यान रखें आपकी कैलकुलेशन एक स्टेप कम हो, वो वाले मेथड को अपनाना है. यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों इक्वेशन के अगर हमारे कॉफिशियंट बराबर हो जाते हैं तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करने से ये वाली वैल्यू हमारी कैंसिल हो सकती है. ओके, सो हम यही करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर थ्री को नाइन से और इक्वेशन फोर को फाइव से. इससे क्या होगा कि हमारा जो क्यू वाला कॉफिशियंट है ना, ये बराबर हो जाएगा. और जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये वाला कॉफिशियंट हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करते ये प्लस का है, माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा. इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखिए दोनों के कॉफिशियंट बिल्कुल अलग हैं. यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 90p और यहाँ पे 75p मिल गया. दिस इज़ योर 63. ओके, 63, दिस इज़ योर 30. सो इन दोनों को एडअप करने पर देखिए, 5 और 9 प्लस 7 165p इक्वल्स टू 33. 33 कैसे आया, ये 63 है और ये माइनस का 30 है, तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास कितना बचा, 33. सो आपके पास आ गया p इक्वल्स टू 33 अपॉन में 165. तो ये 11 के टेबल से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 पे जाएगा और ये 15 पे जाएगा. फिर 3 1 जा 3 3 5 जा 15, सो 1/5. सो यू गेट p की वैल्यू 1/5 आ गई. अब हम p की वैल्यू मिल गई है तो q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो पुट p इन इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड में आप पुट करोगे तो आपको q मिलेगा. आपको इक्वेशंस के नाम याद रखने हैं. थर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन थी. इसमें अगर हम p की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, q की वैल्यू मिल जाएगी. सो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इक्वेशन थ्री में आप रखिए तो हमें q मिल जाएगा. सो यहाँ पर देखिए, टेन इंटू 1/5 प्लस 5q इक्वल्स टू 7. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से जब हमने सॉल्व किया, 2 प्लस 5q इक्वल्स टू 7, 5q इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 तो 5, और 5q इक्वल्स टू
5/5 यानी क्यू हमारे पास मिल गया 1। अब जी हमें P एंड Q तो मिल चुका है, लेकिन हमें ओरिजिनल P Q नहीं, हमें क्या चाहिए था, हमें X एंड Y चाहिए था। सो अब आप जाएंगे X और Y कैलकुलेट करने के लिए। सो देखिए यहाँ पे तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमने 1/X + Y = P माना था तो ये कितना आ गया, 1/5 आया है, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/X + Y = 1/5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 × 1 = 5 और X + Y = X + Y। तो यहाँ पे हमें 5 = X + Y मिल रहा है, इसको मैंने इक्वेशन 5 बोल दिया। इसी तरीके से X - Y = Q = 1, सो X - Y = 1, ये हमारी इक्वेशन 6 हो गई। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ना, वो X + Y और X - Y की फॉर्म में है, तो इसे आपको एक बार और छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों लीनियर इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को फटाफट से हम सॉल्व करेंगे, एडअप कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है X + Y = 5 एंड X - Y = 1। सो Y से Y कैंसल, ऐड करते ही, और X कितना हो गया, 2X, 5 + 1 = 6। सो 2X = 6, 2X = 6 और X = 6/2 यानी कि 3। सो यहाँ से हमें X की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी मिल गई, 3। अब हमें X = 3 मिल गया। जब X = 3 मिल गया तो यहाँ पे आप X रख दो या यहाँ पे आप X रख दो, आपको Y मिल जाएगा। सो वही हमने किया है, जब X हमें 3 मिल गया, सो X + Y = 5 यहाँ 5th इक्वेशन में पुट कर दीजिए, Y आपको 2 मिल जाएगा। सो X 3 एंड Y 2। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट क्वेश्चन ईजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए, तो कैलकुलेशन आपको पता नहीं चलेगी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आपने क्या क्या किया देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, रिड्यूस किया, इसको लेट किया, ठीक है। लेट करने के बाद हमने इक्वेशन 3-4 फॉर्म की, 3-4 फॉर्म करने के बाद हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से पी की वैल्यू फाइंड की। जब आपको पी मिल जाता है सो हमने क्यू फाइंड कर लिया, जब आपको पी एंड क्यू मिल गया तो ओरिजिनल हमने जो एज्यूम किया था उसके बराबर इक्वेट करते हैं, सो हमें ये दोनों वैल्यू मिलती है, और इससे हम एक्स फाइंड कर लेते हैं एंड वाई फाइंड कर लेते हैं, और हमें एक्स एंड वाई फाइनली मिल जाते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट है इसका, बी पार्ट है, 3X + 2Y = 2XY, 9X - 4Y = XY। सो देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन हम इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो XY है ना, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को XY से डिवाइड करिए जी। तो यहाँ पे XY करिए, यहाँ पे XY करिए, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे X से X कट जाएगा, फिर ये 3/Y + 2/X इस तरीके की एक इक्वेशन फॉर्म होगी। फिर इसमें से आप 1/Y को एज्यूम करिए कि वो P है, फिर Q है, फिर तो वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। हम इसे सिंपल तरीके से भी एलिमिनेशन यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको हमने इक्वेशन 1 एंड 2 कंसीडर कर लिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने हमेशा बोला है सिंपल अप्रोच को लेके चलना है। देखिए आपको एक वेरिएबल को बराबर करना होता है, तो यहाँ पे क्या है, 3X है, यहाँ पे 9X है। या तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों 9 9 हो जाएगा, लेकिन वहाँ आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। आप क्या करिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 बना दीजिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ऐड करते ही हमारा ये वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। सो हमने वही किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट इक्वेशन को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 = 6, 2 2 = 4Y = 4XY। ओके, अब ऐसा करते ही जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 + 9 = 15X = 4 और +5XY। सो आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। देखिए अभी अपने आप ही सारी वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी, XY। ओके, सो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे भी X है, यहाँ पे भी X है, तो X से X कैंसिल हो जाएगा, है ना। और Y = 15/5 यानी कि Y आपके पास 3 आ जाएगा। या फिर आप इसको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से है, 15XY की मैम कैंसिल कैसे हो रहा है। सो आप ये देखिए कि अगर आप Y निकाल रहे हो, यहाँ पे 5 है, अगर आप Y निकाल रहे हो तो 15X / 5X आ रहा है, तो XX ऐसे भी कैंसिल होगा और ये 3 निकलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ पे देख सकते हैं Y आपके पास 3 आ गया। सो अगर Y आपके पास 3 आ गया तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करोगे तो 3X + 2 3 = 6 और यहाँ पे 2XY, तो यहाँ पे भी Y पुट करेंगे तो 2X × 2 3 = 6X। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3X + 6 + 6X। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है,
और यहाँ पे 6x-3x इधर ले जाके माइनस करेंगे, 6x में से 3x गया 3x, सो 6 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो x आपको मिल गया 2। सो यहाँ पे आप लोग को क्या मिल गया, y बराबर 3 एंड x बराबर 2 फॉर सेकेंड पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट के लिए। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया है ना। अब आपको जो सेकेंड क्वेश्चन दिया था वहाँ पे आपसे सेकेंड क्वेश्चन के ए में बोला है कि बस आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, केवल आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना है। सो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना तो बहुत ईजी है, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, y माइनस 2 है, y माइनस 2 है, तो 1/x+3 को हम p लेट कर लेंगे और y माइनस 2 को हम q लेट कर लेंगे, तो आपकी इक्वेशन बहुत ही सिंपली बन जाएगी। ये आ गया 16p+3q=5, 8p-2q=-1, सो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन बनानी थी, हमने लीनियर इक्वेशन बना दी। इसी का अगर हम सेकेंड पार्ट देख लें बी पार्ट, तो यहाँ पे आपको दे रखा है x/xy 3-xy, तो इसको थोड़ा सा जी सिंपलीफाई करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है x/xy, x से x कटेगा तो क्या बनेगा 1/y, यहाँ y से y कैंसिल करेंगे, यहाँ पे x से x, यहाँ पे y से y, तो इस तरीके से बन जाएगा 1/y-3/x=-1, 5/y+1/x=3। अब देख लिए 1/y को आप p लेट कर लो, 1/x को आप q लेट कर लो, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ओरिजिनली वो क्या बन जाएगी, p माइनस, यहाँ पे देखिए 1 का कोफिशियंट है ना, तो p माइनस 1/y को हमने p माना है, इसलिए देखिए यहाँ y वाले जगह पे आपका क्या आ जाएगा p माइनस, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 और 1/x की जगह पे q =-1, यहाँ पे देखिए इसके साथ 5 है ना, तो 5p+q=3, सो ये आपकी बन गई इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये थे आपके चारों क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से रिडक्शन मेथड समझ में आया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करें और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट, क्योंकि आपको एग्ज़ाम रिलेटेड सभी अपडेट चैनल पे टाइम टू टाइम दिए जाते हैं।